नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश जीके के अंतर्गत ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आपने हमारे दो वीडियो नहीं देखे हैं पहले के, तो पहले जाकर आप दो वीडियो देखिएगा ताकि आपको यह वीडियो समझ में आ सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश की जो स्थिति बताई है वो 1947 से 1956 की स्थिति बताएंगे कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो आज का मध्य प्रदेश है, 1947 में वैसी स्थिति मध्य प्रदेश की नहीं थी। मध्य प्रदेश जो क्या था, वह कई रियासतों में बटा हुआ था। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है मध्य प्रदेश की स्थिति का, जो उस टाइम मध्य प्रदेश की स्थिति थी 1947 के बाद की। तो देखिए, उस टाइम क्या था कि मध्य प्रदेश में कई रियासतें थी, देसी रियासतें थी, ठीक है, जिसमें से यहाँ पर आप इस वीडियो को इसमें ध्यान से देखिएगा कि मैंने इसे पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। इस वाले मैप में मैंने यहाँ पे पूरी रियासतें बनाई हुई है, जैसे कि ये नागपुर की रियासत, नागपुर जो राजधानी थी, बरार, मध्य प्रांत, महाकौशल की रियासत, दंडकारी की रियासत, यहाँ पर थी जो छत्तीसगढ़ की रियासत, पूर्व की जो स्वतंत्र रियासतें थी वो यहाँ पर थी, ये जो बघेलखंड की रियासत, उत्तर की स्वतंत्र रियासत, बुंदेलखंड पर जिनका शासन था, बुंदेला की रियासत, ग्वालियर की रियासत जिस पर आपको पता है सिंधिया का शासन था, ठीक है, और वहीं यहाँ पर मैंने बनाया है पश्चिम की स्वतंत्र रियासतें, जिसमें इंदौर की रियासत, देवास की रियासत जिनपे किसका, पवार का शासन था, ठीक है, और यहाँ पे एक सीतामऊ की छोटी सी रियासत बनाई हुई है। तो देखिए, जो हमारा मध्य प्रदेश था वो विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था, और जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, जो हमारा देश था वो करीब 552 रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश भी कई रियासतों में बटा हुआ था। यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाया है वो बनाया हुआ है पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। 1947 के बाद क्या था, मध्य प्रदेश को तीन भागों में विभाजित कर दिया गया था, जिसमें जो पहला भाग था वह था पार्ट ए, ओके, पार्ट ए, दूसरा भाग था पार्ट बी और तीसरा भाग था पार्ट सी। इस वाले मैप में आप ध्यान से देखिएगा और इन दोनों मैप्स को कंपेयर करिएगा, ठीक है। यहां पर जो ये वाला भाग है, रेड पेन से जो मैंने ये क्रॉस बनाए हुए हैं, ये भाग है पार्ट ए, यहां लिखते हैं, ये क्रॉस वाला जो भाग है ये है पार्ट ए, वही ये जो डॉट्स, ब्लू डॉट्स वाला भाग है ये है पार्ट बी, और ये जो स्मॉल डॉट्स वाला पार्ट है ये है पार्ट सी, ओके। पार्ट ए को क्या कहा गया था, उस टाइम मध्य प्रदेश कहा गया था, पार्ट बी को मध्य भारत कहा गया था, और पार्ट सी को विंध्य प्रदेश कहा गया था। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट ए से। देखिए, पार्ट ए में क्या था, जो क्षेत्र थे वो थे सीपी प्लस बरार प्लस छत्तीसगढ़ और प्लस बघेलखंड। अब आप मैप में देखिए, पार्ट ए में जो मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र था, यही सीपी का क्षेत्र था जिसे सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता है, तो सेंट्रल प्रोविंस प्लस बरार किसके अंतर्गत आते थे, ब्रिटिश शासन के, ये प्रत्यक्ष शासित देश थे, किसके, ब्रिटिश शासन के, ठीक है। तो पार्ट ए जो बना वो बना सीपी प्लस बरार प्लस छत्तीसगढ़ और प्लस बघेलखंड से मिलाकर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाला क्षेत्र था उस मैप में, देखिए रेड डॉट वाला जो ये वाला क्षेत्र था, इसको हम बोलते हैं पार्ट ए का क्षेत्र, जिसमें ये सारी जो रियासतें हैं, दंडकारी, बरार, मध्य प्रांति, सब रियासतें आ गई थी। अब देखते हैं, इसकी जो राजधानी थी वो बनाई गई थी नागपुर। कौन सी राजधानी थी इसकी, नागपुर। नागपुर देखिए ये है, ठीक है, नागपुर इसकी राजधानी बनाई गई थी, और जो इसके प्रमुख थे उस टाइम, प्रमुख जो थे उसके, वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इस राज्य के जो प्रमुख थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल।
जो आपने देखा था होगा कि 1956 के जो भारत जब मध्य प्रदेश बना तो ये पहले सीएम भी बने थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट बी की ओर। देखिए पार्ट बी में जो रियासतें शामिल थी वह एक तरीके से मध्य भारत, ठीक है, मतलब बड़ी रियासतों को इसमें शामिल किया था। इसमें जो शामिल थी वो थी पश्चिम की 25 रियासतें, इसमें शामिल थी जिसमें इंदौर, ग्वालियर, ये सब रियासतें शामिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पश्चिम की जो स्वतंत्र रियासतें थी इंदौर, देवास, ग्वालियर, ये सब इसमें शामिल थी, मतलब मध्य भारत में जो शामिल थी वो थी पश्चिम की रियासतें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इसमें इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी। जो इसकी राजधानी थी वो थी इंदौर और ग्वालियर। देखिए अब दो राजधानी क्यों थी। इस क्षेत्र में ऐसा होता था कि 6 महीने के लिए इंदौर राजधानी हुआ करती थी और 6 महीने के लिए ग्वालियर राजधानी हुआ करती थी। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके राष्ट्र प्रमुख या राज प्रमुख कौन थे। इसके जो राज प्रमुख थे, सॉरी राष्ट्र प्रमुख थे, वह थे जीवाजी राव सिंधिया, जीवाजी राव। इसके बाद जो इसके सीएम थे वो बने लीलाधर जोशी, लीलाधर जोशी। और फिर इसके बाद जो इसके सीएम बने वो बने गोपी कृष्ण, गोपी कृष्ण विजय वर्गीय। और फिर जो इसके उनके बाद जो सीएम बने वो थे तखतमल जैन। यहां लिख देते हैं तखतमल जैन। तो यह स्थिति थी जो थी पार्ट बी की। ठीक है, पार्ट बी की यह स्थिति थी। पार्ट बी का जो क्षेत्र है वो ये है, ठीक है, जिसे मध्य भारत का क्षेत्र भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं पार्ट सी की ओर। अब देखते हैं पार्ट सी में क्या आता है। तो दोस्तों पार्ट सी में जो आता है वो आता है, यहाँ पर आप मैप में देखिए पार्ट सी का क्षेत्र ये है, यहाँ पर देखिए डॉट डॉट का क्षेत्र आता है पार्ट सी में। तो पार्ट सी में क्या आ रहा है, उत्तर की स्वतंत्र रियासतें आ रही है। ठीक है, उत्तर की जो स्वतंत्र रियासतें हैं, उत्तर की स्वतंत्र रियासतें प्लस भोपाल और विंध्य प्रदेश की, विंध्य प्रदेश की 38 रियासतें पार्ट सी में शामिल थी। ठीक है, पार्ट सी में जो शामिल थी वह उत्तर की स्वतंत्र रियासतें, भोपाल जिसका विलय कर दिया गया था पार्ट सी में, कब विलय कर दिया गया था इसका, 30 अप्रैल 1948 को। ठीक है, इसका विलय कर दिया गया था 30 अप्रैल 1942 को पार्ट सी में। अब देखिए ये याद रखिएगा कि जो इसकी राजधानी थी वह बनाई गई थी रीवा। क्या राजधानी बनाई गई थी इसकी, रीवा। और जो प्रमुख थे इसके वो थे मार्तंड देव, मार्तंड देव जो कहां के थे, रीवा। ओके, तो पार्ट सी में क्या आता है, उत्तर की स्वतंत्र रियासतें आती हैं प्लस भोपाल की रियासत प्लस विंध्य प्रदेश की 38 रियासतें और राजधानी इसकी थी रीवा और जो इसके प्रमुख थे वो थे मार्तंड देव जो कि रीवा के थे। अब आप इन मैप को ध्यान से देखिएगा और यहां पर पार्ट ए को लिख लीजिएगा मध्य भारत, मैं लिख देती हूं। क्रॉस जो क्षेत्र है पार्ट ए जो मध्य प्रदेश कहा गया, जो डॉट वाला क्षेत्र है ब्लू डॉट पार्ट बी मध्य भारत का क्षेत्र, और पार्ट सी जो है स्मॉल डॉट का वो क्या है, विंध्य प्रदेश।
दोस्तों ये था हमारा वीडियो मध्य प्रदेश की स्थिति 1947 से 1956 तक की जो मध्य प्रदेश की स्थिति थी वो मैंने जितना हो सके मैं बता पाऊं उतना मैंने बताने की कोशिश की है मैप के द्वारा। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जिनको इस वीडियो की जरूरत है वहां तक ये पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।